Kashmir News Service presents. जैसे कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जो सीज फायर का ये किया हुआ था और सीज फायर किया हुआ था उससे हम बहुत ही खुश है। बहुत वक्त गुजरा और यहाँ के लोग इस कदम से बहुत खुश है कि जो सीज फायर यहाँ पे गुरेज में हुआ और बाकी सरहदी इलाकों में भी सीज फायर हुआ और इस कदम से हम बहुत खुश है। और हम आगे ये भी गुजारिश करते कि जो यहाँ पे टूरिज्म होने वाला है और हम चाहते कि आगे यहाँ पे टूरिज्म बढ़ता रहे और हम इस कदम से बहुत बेहद खुश है। 100 दिन आज हो गए हैं सीज फायर वायलेशन नहीं हो रही है, तो इसको आप किस अंदाज से देख रहे हैं? देखिए, जब भी हम वहाँ पे सीज फायर वायलेशन होता था, खासकर बॉर्डर एरियाज के लोग, जो गुरेज तिलेल बिल्कुल LOC के साथ में ही पड़ता है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे। वहाँ पे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो ठप होकर रह जाती थी। वहाँ पे लोग गोना गो मुश्किल से दो चार हो जाते थे। ये खुश आइन कदम हुकूमतों ने, हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुकूमतों ने आज से 100 दिन पहले जो लिया था, इसका जो मुसबत नताइज हमें ग्राउंड पे देखने को मिल रहे हैं। लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो खुश उसलूबी के साथ वो गुजार रहे हैं। वहाँ पे रोज़मर्रा के जो काम है वो अपने बिल्कुल एक सुकून भरी ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं, वो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसके लिए हम एक बार फिर जो है अपने हिंदुस्तान पाकिस्तानी हुकूमतों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इलेक्शन के बाद जो वहाँ पे सयाहत का पोटेंशियल है वो क्या बढ़ गया है? बिल्कुल, ये गुरेज तिलेल जो है खूबसूरती के लिहाज से ये हमारे जो वैली के दूसरे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसमें एक चीज़ थी कि आज तक ये एक्सप्लोर नहीं हुआ था वहाँ पे, तो इस साल वहाँ पे जियो नेटवर्क पहुँचा, उसमें हमने सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे दुनिया को दिखाया कि गुरेज तिलेल भी एक खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, कुदरत ने खूबसूरती से उसको नवाजा है। तो हमने एक कोशिश की है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम पूरे दुनिया के लोगों को दिखाए कि गुरेज़ आए, गुरेज़ अमन पसंद इलाका है, वहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही पड़ता है और लोग वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ से टूरिस्ट आए, वहाँ पे उनको रोज़गार मिले। तो इसके लिए जो भी इनिशिएटिव्स अभी गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं उसका गवर्नमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले वक्त में और उम्मीद का इजहार करते हैं कि हमें वो टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी मिल जाए और गुरेज़ तिलेल भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। Thanks for watching Kashmir News Service.